कैन ऑल्सो बी सिम्टम ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ लिवर कैंसर किसी को जॉन्डिस तो खैर पकड़ में आ जाता है डॉक्टर्स पूरी जोर लगा देते हैं बट अगेन दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर फिर हम लोग नीचे आते हैं रेक्टम चेंज इन बावल हैबिट्स इसका मतलब है हमारी मान लीजिए आप दिन में एक बार आ, स्टूल पास करते हैं अब किसी को दो दो तीन तीन दिन नहीं हो रहा किसी को दिन में तीन तीन बार हो रहा है तो उसको चेंज ऑफ बावल हैबिट्स बोलते हैं अगर सडन चेंज ऑफ बावल हैबिट्स है तो ये भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है आ, कैंसर कैन ऑल्सो प्रजेंट एज स्टूल में खून अक्सर uh, कई बार लोग पाइल्स का इसको सोचते हैं यूजल डिफ्रेंशिएटर होता है प्योर रेड कलर का खून है तो भाई पाइल्स हो सकता है बट अगर कोई भी और कलर है तो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ़ कैंसर और पाइल्स और कैंसर एक साथ हो सकते हैं तो हर चीज़ पाइल्स नहीं होता है हेमरॉयड्स जिसको बोलते हैं तो खून लेटरिन में आना कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर खून पेशाब में आना कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर पेशाब की हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना मतलब मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर में पेशाब या तो आ ही नहीं रहा या आ रहा है तो बार बार जाना पड़ रहा है सेंस ऑफ इवैक्यूएशन नहीं है ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है लेडीज़ के अंदर पोस्ट मीनोपोजल लेडीज़ के अंदर जिनका मीनोपॉज uh, हो गया है uh, बच्चेदानी से uh, किसी भी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग इज अ रेड फ्लैग साइन दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर बिल्कुल भी लाइट लीडिंग इन फिर लेडीज़ और जेंट्स दोनों में कहीं गांठें हो जाना शरीर में गर्दन में बगल में आ, नीचे प्राइवेट पार्ट्स के पास किसी भी प्रकार की गांठ होना कैन बी अ साइन ऑफ़ कैंसर क्योंकि ये लिम्फ नोड्स होते हैं मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होती है अगर टेस्टिस यूजुअली एक साइज़ की नहीं होती बट अगर डिस एक टेस्टिस बड़ी हो रही है एक टेस्टिस छोटी हो रही है कैन बी अ साइन ऑफ़ टेस्टिकुलर कैंसर इसके अलावा बड़े ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर फॉर एग्जांपल वेट लॉस अनएक्सप्लेन वेट लॉस कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर इसके अलावा अनएक्सप्लेनड फीवर तीन तीन हफ्ते चार हफ्ते से फीवर चल रहा है डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर भूख खत्म हो जाना कि भूख ही नहीं लग रही सब कुछ कर लिया नहीं भूख लग रही दैट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर अनएक्सप्लेन्ड शरीर पे नीले दाग पड़ जाना यानी कि जिसको बोलते हैं पेटी की कहीं आप देख रहे हैं नीले नीले से दाग पड़ गए काले काले दाग पड़ गए जरा सी चोट हुई वहाँ पे दाग पड़ गया वो ब्लड की वजह से दैट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर तो आप देखें मैंने इतने सारे सिम्टम्स बताए जो कि नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि ऐसा नहीं कि आज ही कैंसर हो गया एक दिन में तीन से चार हफ्ते से ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप प्लीज़ आपके डॉक्टर से पूछिए मिलिए कि क्या ये, ये कैंसर तो नहीं है मेरा काम आप लोगों को डराने का नहीं है मेरा काम एक ये अवेयरनेस प्रेजेंट करने का है जो मैंने सबसे पहले बताया था कि इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर्स विल ऑलवेज लीड टू अगर ये कैंसर है कैचिंग अप कैंसर इन अर्ली स्टेजेस ऐसा क्यों होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैंसर के क्योर रेट्स ज़्यादा हैं ऐसा इसलिए होता है कि क्योर रेट्स ज़्यादा नहीं है क्योर तो हमारे यहाँ पे भी उतना ही अच्छा है वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन है अर्ली डिटेक्शन क्यों है क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स और डॉक्टर्स ज़्यादा जागरूक हैं तो छोटी से छोटी बात के लिए कैंसर की जाँचें होती हैं तो यही अगर हमारे कंट्री में हम लोग शुरू कर दें वी कैन गो अ लॉन्ग वे इन क्योरिंग दीज कैंसर्स सो आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमें जरूर लिखिए वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू ऑन द नंबर विच इज़ डिस्प्लेड या नीचे कमेंट्स में लिखिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट कैंसर्स डू लेट अस नो इफ़ दीज वीडियोज़ एक्साइट यू इफ़ दे आर इन्फॉर्मेटिव हमें आप लिखिए हम uh, जो टॉपिक्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है हम उन वीडियोज़ पर uh, हम उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाएंगे थैंक यू